बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चने की दाल की बर्फी बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर आज ही अपलोड कर चुकी हूँ खोया या मावा जिसको कहते हैं, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। ये देख लीजिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये वही खोया मावा है जो इंस्टेंट खोया मावा के नाम से मैंने अपनी चैनल पर रेसिपी जो है वो अपलोड की है। आप इसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं इसी के साथ ही बनाऊंगी चने की दाल की बर्फी, और ये चने की दाल का हलवा भी आप इसको कह सकते हैं। आप उसको बनाने के बाद एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उसको मतलब काट के क्यूब्स में या फिर जिस तरह से ट्राइंगल्स कटते हैं उस तरह भी डायमंड शेप में आप काट के उसको बर्फी बना सकते हैं। तो हम वही इसकी आज बनाने लगे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख लें, एक काम जो मैंने पहले यहाँ करके रखा है वो है चने की दाल। चने की दाल मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो, और उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो भिगो कर रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने उसका पानी निचोड़ने के बाद उसको तकरीबन मैंने 2.5 से 3 कप के अंदर जो है दूध के साथ उबाल लिया है। और फिर मैंने क्या करा कि जब वो 15 से 20 मिनट के बाद गल गई तो उसके बाद उसको उसी के दूध में खुशक कर लिया। लेकिन थोड़ा सा दूध आप मेक श्योर कीजिएगा कि उसमें रहे ताकि पीसने में आसानी हो जाए, तो बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं। जब दाल गल जाए तो उसके बाद जो रेस्ट उसमें दूध रह जाएगा वो हमने खुशक करना है, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। उसके बाद आपने उसको क्या करना है कि उसको ब्लेंडर में, अगर आप फाइन चाहते हैं तो ब्लेंडर में करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दानेदार हलवा बने तो फिर आप चॉपर में जो होता है बिग वाला चॉपर उसमें डाल के बारीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास देख लें, ये वही दाल है, ठीक है, आधा किलो के करीब है ये। साथ ही में हमें चाहिए होगा तेल या मक्खन जिसमें आप बना रहे हैं, शुगर चाहिए होगी, रेजन्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जो ग्रीन वाली किशमिश होती है, खट्टी मीठी बहुत मजे की होती है, मैं इसमें ये डालूंगी क्योंकि दाल के हलवे में बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही में मैं यहाँ पर खोपरा डालूंगी, खोपरा भी इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बस पैकेट्स में जिस तरह यहाँ पर क्रश वाला हमें मिल जाता है हम वही यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में चीनी यूज़ करेंगे हम लोग, तकरीबन टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 कप ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। और तेल भी, तेल यहाँ पर नहीं है, मक्खन या तेल जिसमें आपको पकाना हो वो भी तकरीबन हमें 1.5 कप ही चाहिए, और ये हमारे पास खोया है ये हमें 1 कप चाहिए। तो हम चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टिन पैन भी लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसको पकाने की तरफ। तो एक पॉट ले लीजिए जिसमें आप पका रहे हैं, मैंने यहाँ पर मक्खन डाला हुआ है तकरीबन, ये है मेरे पास 1 कप। तो 1 से 1.5 कप जो है आप तेल या मक्खन शामिल कर सकते हैं, अगर आप कम डालना चाहते हैं आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन ये 1 कप से 1.5 कप के करीब डाला हुआ है। इसके अंदर हम अपनी पिसी हुई दाल जो है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, और इसको हम स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम इसको भूनते जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको लो पे रखना है और हमने इसको जो है पकाना है। आप चाहते हैं तो आप घी में भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी मक्खन और थोड़ा सा तेल शामिल किया है, ठीक है, 1.5 कप के करीब यहाँ पर मैंने डाली हैं दोनों चीज़ें, तेल या मक्खन जो भी आप ऐड कर रहे हो। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब ये गर्म होना शुरू होगा और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है मीडियम आंच पर रखे भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे, जब तक कि इसके अंदर से एक सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, जैसे चने की भुनने के बाद आती है स्मेल, उसी तरह से इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बहुत ही सौंधी सौंधी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अभी आपको थोड़ा सा शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि चने की दाल जो है जब आप डालते हैं तो वो हार्ड होना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो आपको एक कपड़ा ले लीजिएगा, उसकी मदद से अब आप इसको इस तरह से एक साइड से पकड़ के अपने आप कढ़ाई में बना रहे हैं या फिर देगची में बना रहे हैं तो उसके साथ जो है आप अच्छी तरह से इसको बस भूनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि नीचे ना लगे, आँच आपने बिल्कुल बराबर की रखनी है। तो इसमें जो होता है दाल के हलवे में मेन काम जो होता है आपका यही होता है कि इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मेन काम करती है। जितना अच्छा आपका हलवा भुना हुआ होता है उतनी ज़्यादा जो है आपका हलवे का टेस्ट जो है वो बेटर आता है। तो जल्दी जल्दी आपने नहीं करनी, आराम से बिल्कुल इसको करना है, लेकिन ये कि वर्थ करता है इसको बनाना। एक और इस चने की दाल की रेसिपी जो है हलवे की मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें खोया नहीं था। ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये खोए के साथ बना रही हूँ, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपने वो वाली रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और चने की दाल का हलवा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको टुकड़ियों में बनाएंगे। तो एक आप जो नॉन स्टिक पैन होते हैं या कोई भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में कोई भी स्टील की जो होती हैं थालियाँ, बड़े बड़े खुले टाइप की जो होती हैं वो लेके उनको ग्रीस करके उस पर भी आप इसको टुकड़ियाँ जो है हलवा को फैला के आप जमा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास जो केक के होते हैं नॉन स्टिक वाले पैन वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो है बस इसको मुस्तकिल हिलाना है मीडियम पर, लो टू मीडियम पे रख के आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखें ड्राई होना शुरू हो जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे भूनता जाएगा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर आप देखें मुझे भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब ये बिल्कुल जो येलोश होता है उससे थोड़े से डार्क की तरफ आ गया है। अगर आप चाहते हैं बाजार वाला लुक तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर शामिल नहीं कर रही हूँ। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर, तो तकरीबन ये 1/2 टीस्पून जितना डाल दीजिए, इससे एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये डाल दिया मैंने और इसके अंदर मैं आप शामिल करने लगी हूँ रेजन्स, तकरीबन आधा कप के करीब है, आपको जितने पसंद हो आप डाल दीजिएगा। अगर आपको बादाम पिस्ते पसंद है तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं, तकरीबन आधा कप के करीब, 1/4 कप आप ले सकते हैं बादाम और पिस्ता दोनों मिक्स करके। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी चीनी। चीनी मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप शामिल कर रही हूँ और फिर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको जितनी कम लगती है आप आधा कप और डाल सकते हैं, तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें चीनी जाती है, टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। 1 कप डालने के बाद चख लें, अगर ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो 1.25 डाल लें या 1.5 डाल लें। तो यहाँ आप देखें मैंने तकरीबन 1.5 कप ही शामिल की है क्योंकि कम लग रहा था, और अभी इसमें खोया भी जाना है। खोया क्योंकि ऑलरेडी बहुत फीका है, उसमें कुछ भी नहीं है, बगैर शुगर का खोया था, तो ये अब इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। जब आप चीनी डालते हैं तो इसका पानी रिलीज होना शुरू होता है और हलवा जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। शुरू में हार्ड होता है, जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद जब हम इसमें चीनी वगैरह शामिल करते हैं तो ये सॉफ्टनेस की तरफ आ जाता है। फिर हम इसको अगेन से भूनेंगे, सारी चीनी वगैरह इसकी डिजॉल्व हो जाएगी, और इसके अंदर फिर उसके बाद भूनने के बाद 5 मिनट के बाद जब इसकी चीनी डिजॉल्व हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ये ड्राई कोकोनट भी शामिल करूंगी जो मेरे पास है तकरीबन 1/2 कप। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें अच्छी तरह से मैंने कोकोनट डाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया है, मैं इसको भून रही हूँ। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर खोया था उसको आप हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से बारीक कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आपने शामिल करना है इस दाल के हलवे में। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जायका आएगा, जैसे बर्फी का होता है इसके अंदर वो वाला, वो उसके अंदर पैक देगा। ये मेरे पास 1 कप भर के है हीट, तो ये मैं डाल रही हूँ उसके अंदर और फिर हम इसको डाल के भूनते जाएंगे। तो ये देखें जब आप डालेंगे तो उसके बाद ये इसके अंदर इस तरह आपको लम्स लम्स से फील होंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है और इसको बिल्कुल इसके साथ ब्लेंड कर लेना है कि जितना भी खोया है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से दाल के अंदर। बिल्कुल भी कोई भी इसके अंदर लंप नजर नहीं आना चाहिए आपको। आप जब तक भूनेंगे जब तक ये इकट्ठा होके एक हलवे के फॉर्म में बिल्कुल एक जगह से जुड़ा सा बॉल्स टाइप की आपको महसूस होगी, और ये पैंदा छोड़ देगा बिल्कुल, सारा इसका मिक्स हो जाना चाहिए, फिर ये बिल्कुल आपका रेडी हो गया है। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इसके बाद लास्ट में लास्ट मिनट पे आके केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू देता है ये खानों में, मैं अपने डिजर्ट्स में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली शाही खानों में हमेशा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून जो है केवड़ा डाल दिया था और ये बिल्कुल अपना पैंदा छोड़ चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकालने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अपना केक वाला एक टिन लिया है, इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछाया हुआ है, और मैंने क्या करा यहाँ पर इसके ऊपर जो है थोड़ा सा इसके बॉटम पर क्रश कोकोनट जो होता है वो इस तरह से स्प्रिंकल किया है, और ये वाला खोया जो है मेरे पास ये मैंने डाल दिया इसके बॉटम में। अब मैं चने की दाल के हलवे को इसके ऊपर निकालने लगी हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके टॉप पर जो है कोकोनट और ये आना चाहिए, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा खोया वगैरह ऊपर। तो मैं क्या करूँगी जब ये जम जाएगा तो इसको मैं पलट लूँगी और इसका ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक नाइस सा हमारा गोल फॉर्म में केक के फॉर्म में जो है दाल का हलवा आ जाएगा, फिर हम इसके स्लाइसेस काट सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप फैला के स्ट्रेट भी फैला सकते हैं और फिर इसको टुकड़ियाँ काट सकते हैं, अगर चाहें तो आपके पास ये जो सिलिकॉन का होता है इसमें डाल के जमा लीजिए, जैसे भी हो। अगर आप चाहते हैं सिंगल सर्विंग के लिए तो आप इसमें निकाल लीजिए, ऊपर से डेकोरेट कर लें, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है और इसमें दो जगह निकालती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मैंने जिस पैन के ऊपर अपना बॉटम पे लगाया था उसको मैंने पलट लिया है, प्लेट में डिश आउट कर लिया है, ऊपर से बर्फ लगा दिए हैं और पीसेस काट दिए हैं। दूसरा वाला देख लें यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के इसके स्लाइसेस काट लूंगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आप इसको एज इट इज सर्व करना तो आप किसी बोल में निकालिए, ऊपर से गार्निश कीजिए इसको रेजन के साथ या फिर खोए के साथ। तो ये रेडी हो गया। 3 तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, आप जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको पहले रूम टेम्परेचर पर छोड़ना है, जब ये ठंडा हो जाए तकरीबन 3 से 4 घंटे में सेट हो जाए तब आप इसके स्लाइसेस निकालिएगा, और अगर आप इसको एज इट इज सर्व करना चाहते हैं तो कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, यकीनन आप बनाएंगे तो वर्थ करेगी आपको, थोड़ी मेहनत है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और दूसरी रेसिपी भी अगर आप चाहें मेरी देख सकते हैं जाकर चैनल पर, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।